भागवत कथा, शिव महापुराण और सत्यनारायण भगवान जैसी कथा कराना है तो ब्राह्मण से करवाएं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होगी। जीवन में कभी भी घमंड न करें। भगवान शिव के सामने इंद्रदेव व अग्निदेव ने घमंड किया था, जो सारा टूट कर रह गया। शिव के मंदिर पर भोले बाबा के साथ नंदी की पूजा जरूर करें, क्योंकि महादेव की सवारी ही नंदी भगवान है। सुबह सुबह स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान व तुलसी जी को रोज जल अर्पित करें। धन्य धान की प्राप्ति होती है। धन मिलने के बाद गरीब व्यक्तियों की खुले मन से सेवा करें और मदद करें। यह प्रवचन जावत के बस स्टैंड पर स्थित बटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर सावन माह के उपलक्ष्य में आयोजित शिव महापुराण कथा के दौरान कही गई है। विद्वान पंडित अशोक भारद्वाज ने जावत के भक्त जनों से यह बात कही। वहीं भजन गायक कोमल दमामी अठाना, मधुसूदन नागदा तुम्बा ने एक से बढ़कर एक मधुर भजन के साथ शानदार प्रस्तुतियां दी है, जिससे पांडाल का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया और सभी श्रोतागण भगवान की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। भगवान बनकर के आ जाए, कोई किसी रूप में, किसी सहायक के रूप में आ जाए, किसी मुसीबत के समय आकर के भगवान हमारी किसी भी रूप में मदद कर देते हैं। भगवान तो सिर्फ जो है वो याद करने वाले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि कोई भी प्राणी मुझे याद करे तो मैं जरूर तैयार रहूंगा।